नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं राजस्थान की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में शादी में लोगों पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक, 13 लोगों की मौत, 24 घायल। अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज और पूछा, गठबंधन के नेता का नाम बताएं कांग्रेस अध्यक्ष। कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते राजस्थान का एक और लाडला श्योराम शहीद। जहां शराबबंदी को लेकर आंदोलन, वहीं वसुंधरा सरकार ने खोली फैक्ट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री गहलोत को ट्वीट कर दी हर्निया सफल ऑपरेशन की बधाई। राजस्थान में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के पास जारी हुआ अलर्ट, पुलिस आईबी चौकस। पुलवामा अटैक से गुस्से में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में हटाई पाक क्रिकेटर्स की तस्वीरें। राजस्थान बोर्ड की किताबों में होगी पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के शहीदों की गाथा। प्रतापगढ़ हादसे में सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख, हादसे में अब तक 18 की मौत। सलमान खान के हिरण शिकार मामले में याचिका पर सुनवाई 20 फरवरी को। हाईकोर्ट में जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 5 मार्च तक रोक बढ़ी। राजस्थान में दो फौजी भाइयों की हत्या, न्याय के लिए सेना के अधिकारी लगा रहे हैं चक्कर। पुलवामा हमले पर अमित शाह का जोशीला बयान, कहा पूरा देश साथ खड़ा है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर बीकानेर से बाहर जाने का आदेश। विपक्ष का गठबंधन पीएम मोदी को हराने के लिए पहला अपना नेता घोषित करे, अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। गूगल को राजस्मंद निशंद हत्याकांड के वीडियो को हटाने के लिए कहा गया, राजस्थान सरकार से बोला गया ये बड़ा बयान। राजस्थान की राजधानी में दिलचस्प होगी चुनावी टक्कर, राजघराने की देवियां होंगी आमने सामने। जयपुर में आज पेट्रोल हुआ 45 पैसा महंगा, 19 फरवरी 2019 का दाम हुआ 71.5 रुपए प्रति लीटर। पुलवामा अटैक में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल होगी शहीदों की गाथा। राजस्थान में गरजे अमित शाह और बोले, गठबंधन वाले आए तो डीलर हो जाएंगे समाप्त। तो ये थी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।